नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 70 किलो डोडा पोस्त चूरण, 200 ग्राम स्मैक, 200 ग्राम अफीम और एक 10 टायरा ट्रक बरामद किया है। ये लोग राजस्थान के उदयपुर से नशीला पदार्थ लाकर सहारनपुर जिले में बेचने का काम करते थे। चारों तस्कर सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। जाबिर तारिक आसिफ इसरान चारों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। ये नानोता पुलिस के द्वारा कल दिनांक 28/8/2020 को 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि जो अवैध मादक पदार्थ है उनकी तस्करी में संलिप्त है। इनके वहाँ से एक ट्रक, 10 टायरा जो कि RJ14GA6151, 60 किलो डोडा, 70 किलो डोडा, 200 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम अफीम इनके यहाँ से बरामद हुई है इनके। और ये सभी लोग उदयपुर राजस्थान से ये मादक पदार्थ है इसे वहाँ से लेते थे और उसके बाद गंगो तीतरो क्षेत्र के अंदर ये इसकी बिक्री करते थे। और इस तरीके से इनका एक पूरा नेटवर्क है जिसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और साथ ही साथ इनका जो क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का पता लगाकर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस संबंधित मामले में FIR दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आपका जो ट्रक है ये इन्हीं का ट्रक है। ये हरिद्वार से जो सामान आते थे कॉस्मेटिक्स का, उसी के अंदर ये जो मादक पदार्थ है इन्हें रखते थे छुपा कर और उसके बाद सप्लाई करते थे। सर, कब पुराना इसकी जो कीमत है कुल लगभग 7 से 10 लाख के बीच में मार्केट में रही होगी। और साथ ही साथ जो इनका नेटवर्क है वो अभी इनसे जो प्राइमा फेसी जो बातचीत की गई है उसके हिसाब से इनका नेटवर्क काफ़ी वृद्ध है, जिसमें राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जहाँ से प्रिक्योर करते हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है और उनके ऊपर भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर से पिछला कोई आपराधिक प्रयास इसके बारे में जानकारी की जा रही है।